और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व देश का गर्व। लेट मी से इन द वेरी बिगनिंग दैट इट इज आवर प्रॉमिस टू डिलीवर ए नेशनल इलेक्शन इन ए मैनर दैट वी एड टू आवर ग्लोबल शाइन एंड रिमेन ए बेकन फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। वी आर कमिटेड टू गिव द नेशन ए ट्रूली फेस्टिव डेमोक्रेटिक एनवायरमेंट। Friends, the term of 17th Lok Sabha is due to expire on 16th June 24. The term of legislative assemblies of Andhra Pradesh, Odisha, Arunachal, Sikkim are also due to expire in June 24. Jammu Kashmir Assembly mein bhi chunav due hain. We in the Commission understand with all humility at our command that every election is a new test and failure is not an option. The entire election machinery has been trained on all aspects of election management. I had myself personally interacted with over 800 district magistrates across the length and breadth of the country. We have interacted with the SPs, DMs, commissioners, range IGs, political parties, enforcement agencies in Delhi and also while visiting the states. और पूरी states में इन सबके साथ समीक्षा करने के दौरान और उसके बाद हमें ये विश्वास है कि हम एक यादगार, स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव एक पर्व के रूप में सबकी भागीदारी के साथ सुनिश्चित कराएंगे। बिफोर आई शेयर द शेड्यूल, मैं आपको बताना चाहता हूं की भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक रूप से विविध इतने बड़े देश में चुनाव कराने के लिए हमने अपने आप को कैसे ओवर द टू इयर्स पीरियड तैयार किया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावों में लॉजिस्टिक्स और मटेरियल प्रबंधन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो लेट अस शो यू व्हाट इज द मैग्नीट्यूड बाय विच वी आर डूइंग दिस इलेक्शंस। वी हैव 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, Australia, all many put together. Over 10.5 lakh polling stations. And kitne log usko conduct karte hain? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. Aur ab tak hum kya kar chuke hain? 17 general elections to the parliament. 400 से ज्यादा असेंबली इलेक्शंस कर चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन का एक लीगेसी है। 16 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, 16 वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, ए ट्रूली गोल्ड स्टैंडर्ड। इट्स ए गोल्ड स्टैंडर्ड इन द एंटायर इलेक्शन मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, देर इज ए क्वालिटेटिव लीव फ्रॉग विच कमीशन इज एंश्योरिंग विच वुड बी शोन by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 elections state assemblies के देश में हुए हैं, और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके outcomes हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहले वो peaceful हुए, violence free हुए, जो इसमें से एक दो state में violence होती थी वहाँ भी violence नहीं हुई, near zero loopholes, और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टी से, कि उसमें भी घटित देखने को मिली। कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए, कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई, सीजर्स बढ़े, और फेक न्यूज़ पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बड़ा। तो लास्ट टू ईयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे, और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे। अभी जो इलेक्टोरल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्टोरल रोल है वो प्योर होना चाहिए, ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए। उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है, और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हमने इलेक्टोरल रोल में बहुत मेहनत की है।